आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आपके साथ रूबरू होने का एक मौका मिलता है। आज लगभग 3 साढ़े 3 महीने हो गए मैं ग्लोरियस मंच का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के रह गया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था 2001 में। जरूरत नहीं थी, शायद पता भी नहीं था, लेकिन किसी व्यक्ति ने इनवाइट किया। जिस प्रकार हर व्यक्ति को कोई इनवाइट करता है, तो मुझे भी इनवाइट किया गया था। उस इनविटेशन के तहत मैं जब इस प्रोजेक्ट को समझा, देखा, तो मुझे बस एक ही बात समझ लगी, वो फार्मूला। अगर मैं वो आज वो फार्मूला समझ पाया हूं, तो मैं आपके साथ इतनी सी बात साझा करना चाहता हूं कि बस पकड़ लीजिएगा, तो उस फार्मूले को समझ लीजिएगा। अगर आपको वो फार्मूला समझ आ गया, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ आती चली जाएंगी। पर्ल वाइन मेंबर बनाने का धंधा है, लोगों को जोड़ने का धंधा है। मेरे ख्याल में इन छोटी चीजों के ऊपर आप ना ही उलझिएगा, तो मेरी आपसे यही राय, इतनी मैं फरियाद कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ कि इन चीजों पर आप मत जाना। ये बिजनेस दुनिया का सबसे रहस्यमयी सक्सेसफुल बिजनेस फार्मूला। दिस इज द स्ट्रेंज बिजनेस ऑफ होल ऑफ द यूनिवर्स, ए वेरी सक्सेसफुल प्रूवन 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 बिजनेस फार्मूला। अब ये फार्मूला समझना, मेंबर बनते रहेंगे। इस फार्मूले को समझ लेना, लोग एक कंपनी चली गई दूसरी। मैं तो कहता हूँ कंपनियों के जो बड़े बड़े सीईओ थे, बड़े बड़े, उन लोगों ने भी नहीं इसको समझा। हम उन सारी चीजों के ऊपर नहीं जाएंगे जो लगातार मंचों के ऊपर होती रहती हैं। मैं तो समझता हूँ जी, मैंने लाइफ के अंदर नेचुरल प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है ये फार्मूला, ये सिस्टम। जयपाल गैटी साहब 5 फार्मूले निर्धारित करके बताए कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे ड्रीम्स होने चाहिए, यस हमारे ड्रीम्स होने चाहिए। हमें हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, यस हमें हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। हम सेल्फ पहले इसको अंडरस्टैंड करें, यूज करें, देखें। अगर इसमें कोई अच्छी चीज नहीं लगती, तो हम किसी को प्रमोट भी मत करें, और तब तक प्रमोट ना करें जब तक हमें खुद अच्छी नहीं लगती। तो जब खुद अच्छी नहीं लगेगी, तो वो इस दिमाग के अंदर उस गॉड ने, उस परमात्मा ने डाल के भेजा हुआ है ना, कि जो भी चीज हमें अच्छी लगती है, उसको हम प्रमोट किए बिना रह ही नहीं सकते। तो ये बिजनेस करने का नहीं है, ये होने का बिजनेस है। हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, लोग इससे नेगेटिव हो जाते हैं, लोग इसको गलत तरीकों से लेते हैं। मेरे लिए तो ये पूजा की तरह बिजनेस है, मैंने तो इसको बिल्कुल वर्शिप की तरह किया है, को सिद्धा इतना प्यारा समझकर। तो जब गर्व महसूस करेंगे ना अंदर से, फिर होता है ये बिजनेस, फिर तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। तो हम गर्व महसूस करें, गर्व महसूस किए जाने वाली कुछ चीजें लर्न करें, सीखें, वो फीलिंग लाए अंदर, वो भाव लाए अंदर कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, है ना। हमारा मकसद एकदम से क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हम इसको क्यों कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं सामने, लिखी हुई चीजों से कुछ नहीं होता, लिखना है। यस लिखना किस लिए, कि हमें याद रहे, रिमाइंड रहे, और हम इसको कर पाए। साथियों, बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अक्सर रोज मीटिंग में अंदर देखते हैं, ये हुआ, वो हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या। छोड़ दीजिए इन सारी चीजों को, आप उसके तथ्य तथ्य तक, फैक्ट तक जाइए, अंदर तक जाइए। चाबी ताले के अंदर जाके थोड़ा सा आप लीवर उसका घुमाते हो, तो एक क्रिक आवाज आती है थोड़ी सी, उस लीवर को पीछे करती है, उसके दिल को टच करती है। हम कब टच करेंगे लोगों को, हम उनके दिलों में कब टच करेंगे। अगर हम किसी को कोई रास्ता बता रहे हैं, तो रास्ता रास्ते के टिक टेक्निक्स पहलुओं के बारे में हमें पता होना चाहिए ना। तो जब इस सारी फीलिंग को हम बताएंगे, तो फीलिंग के लिए समय लेना होगा। समय लेकर काम कीजिए, समय लेकर जब आप काम करेंगे, तो आप एंजॉय करेंगे, आप एंटरटेनमेंट। सचिन तेंदुलकर ने मैच खेला ना, मजा आया उनको। सचिन तेंदुलकर साहब ने मैच खेले, मजा आया उनको ना। उन्होंने कोई काम किया, वो नौकरी मेरी तरह नौकरी जाते रहे, नहीं जाते रहे। उन्होंने क्या किया, उस काम में एंजॉयमेंट जुड़ा। और जिस दिन जब आपको अपने काम में एंजॉयमेंट मिलना लगेगा ना, मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ, तो बहुत मजा ले रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। क्यों, कि मैंने इसमें मास्टरी करी। मेरे बड़े भाई साहब कहा करते हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर।
डिजर्व करने के लिए हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, इकट्ठी करनी है, नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेके उस पर लॉजिक क्लियर करने हैं, अपने दिमाग का वो वाई क्लियर करना है, मुझे इस बिजनेस के अंदर क्यों हूं, मैं क्या रहा हूं। फिर प्लान आएगा, फिर पीस के बारे में जाना था कि प्लान क्या है, प्रेजेंटेशन क्या, वो सारा चीज। वो सारी चीजें जब आप बिल्कुल क्लियर क्लिस्टर गोल सामने पता लग जाए तो आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। आइए, और जिससे भी मिले रिलेशन बना के बात करें, जिससे भी मिले उसे लगना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं मेरा भाई है वो, है ना, मेरा अपना है। आपके 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 चेहरे की तरफ देख के कोई कहे वाह वाह क्या बात है, तुमसे मजा आ गया यार बात करने का, इस तरह की फीलिंग दीजिए ना, और जो आप दोगे वापिस वही आएगा। सहमत है मेरी बात से? तो जब आप वापिस, हमारे सदगुरु अक्सर कहा करते हैं, वो कहते हैं बल्लभ है ना, ये क्या बोलता है, मैं रोशनी दे रहा हूं, मैं रोशनी दे रहा हूं, बोलता है नहीं बोलता ना, ये रोशनी देता है, बोलता नहीं है। तो जब ये रोशनी दे रहे हैं तो अपने आप सबको पता चल गया रोशनी आ रही है, बोलने की क्या जरूरत है। आप भी रोशनी बांटिए, रोशनी दीजिए, जब आप प्यार करेंगे, प्यार देंगे, पोलाइट बोलेंगे, हम्बल बोलेंगे, किसी को माफ करना सीखेंगे और अच्छा करेक्टर डेवलप करेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, है ना, हेल्पफुल रहेंगे, तो बहुत सारी सारी चीजों का संगम। आई थिंक ये है प्रेरणा, ये है मोटिवेशन, ये है सब कुछ, पर इससे भी काम नहीं चलेगा। हम किस बिजनेस के अंदर हैं? तेल तेलों से निकलना है, प्लान समझना है, प्लान पी थ्री पीज, प्रोफाइल क्या है। हम कंपनियों को ढूंढते हैं, ये कौन सी कंपनी है, इसकी प्रोफाइल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। पर्ल वाइन का पी, एक तो पर्ल वाइन में वैसे ही पी है, इसका प्रोफाइल क्या है, कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीजें जानना नहीं। फिर इसका प्रेजेंटेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, प्रेजेंटेशन वो क्या है, बेनिफिट्स क्या है, पेड आउट सिस्टम क्या है इसका। तो ये सारी चीजें समझने के बाद जब हमें लगेगा कि यस पर्लवाइन इज गोइंग टू डू समथिंग मिरेकल, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। देखिए दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स, हम मैं अभी आपको बता, पॉजिटिव रहिए, ये करिए वो करिए, थैंक्स टू गॉड, ये वो, अपनी इक्वेशन बनाइए, नर्व इकट्ठी कीजिए, ब्रेन फूड दीजिए, नॉलेज दीजिए, पेन डायरी लिखिए, शॉर्ट प्लान करिए, मोटिवेशन करिए, प्रोफेशनल रहिए, कितनी बातें हम करते हैं, पर आप जितनी बातें हैं करते हैं हम, क्या आपने की? ये चीजें अपने आप आएंगी, जब आप एक सिस्टम के अंदर रहेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा इसमें। अभी लर्न एंड टीच मंच के ऊपर जाके देखते हो क्या होता है, वहां पर एक एक चीज बारीकी से दिखाई जाती है, डेप्थ में जाया जाता है, ट्रस्ट वैलेट क्या है, वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है गलती करने की। मोटिवेशन में तो गलती हो सकती है, मैं थोड़ी बहुत आज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो गलती की गुंजाइश नहीं, क्रिप्टो करेंसी में बोला जाता है। हम क्या करेंगे अब हम जिस फॉर्मूले के अंदर है उसमें हमें सीरियस होना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो तैयार हैं, आर यू रेडी? क्वेश्चन कुछ नहीं दिया, ना दिया, ये समय वेस्ट हो रहा है मेरा, लेकिन अब आपको मैं कुछ उन चीजों की बात करने जा रहा हूँ जिन चीजों के ऊपर हम शुक्राना अदा करें उस मालिक का, उस परमात्मा का, कि ये सिस्टम क्या है, कैसे ये वर्क करता है, थैंक्स टू सिस्टम, इंट्रोडक्शन, मैं कैसे संत सतगुरु का शिष्य हूँ जिनकी तरफ से मतलब एकदम से क्लियर क्रिस्टल गोल है कि मुझे ये मोक्ष लेना है। मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, इधर बैठे बैठे मेरी ऑफ हो जाऊं, आई एम वेरी मच मतलब खुश हूं मैं जाकर, मेरे घर में सबको पता है कोई अभी कुछ नहीं होगा, क्यों, गोल क्लियर क्रिस्टल क्लियर गोल है। तो साथियों आइए चलते हैं अपनी इक्वेशन अपने उसके ऊपर, तो हम बात करेंगे कि हमारा करें क्या, फिर दुनिया भर के प्रॉब्लम्स की एक एक ही सोल्यूशन है, मीटिंग मीटिंग रख लीजिए। कहते हैं ना कोई प्रॉब्लम होती है यार, कोई प्रॉब्लम है, चलिए अक्रॉस द टेबल बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, इस बिजनेस के फार्मूले को आपने देखना है, बैठना नहीं पड़ेगा। किसी को ज्वाइन कराया, उसने पैसे से ज्वाइन किया है, वो हमारे भरोसे पर ज्वाइन किया है, पर्ल वाइन का सिस्टम कह रहा है कि डालो ले लो, डालो ले लो, हमें डालना क्या है, डाल पा रहे हैं लोग, आसान है ना, पांच लोग वो करेंगे, वो भी पांच करेंगे, वो भी पांच करेंगे, पर एक लॉ ऑफ एवरेज फार्मूला है, क्या करेगा, नहीं करेगा ऐसे काम। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, लोगों की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, लोगों को टीच करना पड़ेगा, लोगों की आदत डेवलप करनी पड़ेगी।
ये है इसी स्कार सिस्टम। हम सिस्टम के अंदर आदत डालने के लिए क्या, मुझे बताइए आप क्या करोगे? एक दिन बताओगे, 2 दिन बताओगे, 3 दिन बताओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो फिर एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का बेसिक चीज क्या करनी पड़ेगी आपको? सबसे पहले एक आर्ट आना चाहिए मीटिंग फेस करना। ग्लोरियस टीम ने कर लिया ना डेवलप सिस्टम, बिना कहे सब कुछ होता, कोई आए ना आए ग्लोरियस में चलता है, आदत बन गई। आपको आदत कब बनेगी? अपनी टीम के 10 लोग हैं कर 10 लोगों की होम मीटिंग करने के लिए, उनको आगे आदत कब पड़ेगी? उनको आगे आदत पड़ेगी। यहाँ किसी दिन कोई आता है, किसी दिन कोई आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज आते हैं, जो रोज आते हैं उनकी आदत बन गई। लेकिन वो वही काम डुप्लीकेट आगे कैसे कर पाएंगे? उसके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले होम मीटिंग। होम मीटिंग फिक्स कीजिए, आर्ट ऑफ फिक्स कीजिए। बस आप पहले का पहला आर्ट सीख लीजिए मीटिंग फिक्स करना है। अब मीटिंग फिक्स करके करना गया है, आइए फिर मीटिंग शुरू कर दी हमने उसको। थैंक यू।